आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिजाइन करने जा रहे हैं एक ब्लॉग वेबसाइट। चले उसके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और उसको डिजाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिजाइन करने जा रहे हैं एक ब्लॉग वेबसाइट। चले उसके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और उसको डिजाइन करते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट है जिनको एक जो कि एक फैशन ब्लॉगर है यहाँ पे, ठीक है, और उनको एक सिंपल ब्लॉग वेबसाइट चाहिए जहाँ पे वो अपने ब्लॉग्स पोस्ट कर सकें। और तीन कैटेगरीज होनी चाहिए मेन्यू के अंदर, स्किन, हेयर और नेल आर्ट। और उसके बाद ब्लॉग शुड बी सिंपल बट एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव। यू कैन डिज़ाइन अ लोगो फॉर मी एज वेल, आई कैन पे यू एक्स्ट्रा। तो हमने अभी इसके अंदर एक लोगो डिज़ाइन करना है। आप लोगो डिज़ाइनर नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं और क्लाइंट से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। तो चले चलते हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और अगेन हम एक्स्ट्रा इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिक से ही मैं आपको थीम यूज़ करवा रहा हूँ। आप पेड थीम अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसी के ज़रिए ही आप हर तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं एस्ट्रो, हमने इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और सिंपल अगेन सेम इशू हमें फेस करने को मिल रहा है। हम इसको वापस चले जाएंगे और अपीयरेंस में आएंगे, स्टार्टर टेम्पलेट्स पे जाएंगे। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बिल्ड माई वेबसाइट, अगेन एलिमेंटर को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ये हमारे ब्लॉग्स रहे, ओके। तो फूड ब्लॉग अगर फैशन ब्लॉग, ठीक है, आप देखते हैं ये पेड है, ये फ्री में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें ये पेड है, प्रीमियम है, ये सारे प्रीमियम है। तो हमारे पास जो बच जाता है वो एक ये वाला बच जाता है जिसको हम थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं। ये एक फैशन ब्लॉग है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं एज इट इज़। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एज यूजुअल, आपको पता है कि ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो तब तक हम अपनी वेबसाइट को वैसे देख लेते हैं। ओके, तो आई गेस ये इंपोर्ट हो चुका है कम्प्लीटली। मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो एक पूरा ब्लॉग जो है वो डिज़ाइन हो चुका है और इसके अंदर जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे, ऑब्वियसली बात है वो ब्लॉग पोस्ट कर सकती है। और यहाँ पे जो है हमारी तीन कैटेगरीज होनी चाहिए, स्किन, हेयर एंड नेल आर्ट। तो बेसिकली वो कैटेगरीज हमें बनानी पड़ेंगी और मेन्यू में शो करवानी पड़ेंगी। तो किस तरह से करेंगे, हम चलते हैं वापस अपने ब्लॉग के अंदर, और यहाँ पर चलते हैं ब्लॉग पे। चलने के बाद यहाँ पोस्ट के अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं। ऑब्वियसली बात है एक ब्लॉग वेबसाइट और पोस्ट के अंदर ही हम ब्लॉग को मैनेज करते हैं और उसके अंदर ही कैटेगरीज। तो मैं यहाँ पे स्किन केयर की एक कैटेगरी बना देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं नेल आर्ट की एक कैटेगरी बना देता हूँ और हेयर स्टाइल की एक कैटेगरी बना देता हूँ जो कि क्लाइंट ने रिक्वायर्ड की थी, राइट। और बाकी की कैटेगरीज यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो अब मुझे इन वाली कैटेगरीज को शो करवाना है मेन्यू के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल चलूँगा अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू के अंदर। अब क्योंकि यहाँ ब्लॉग कर रहे हैं तो पोस्ट हमारी स्पेसिफिक कैटेगरीज में शो होंगी, इस वजह से हमने ब्लॉग की जगह कैटेगरीज बनाई हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास कैटेगरीज रही, ठीक है, एक दो और तीन, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से यहाँ पे शो करवा देंगे, ओके। ये हमारे पास शो हो चुकी है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारे पास, मैं चाहूँ तो इस ब्लॉग वाले सेक्शन को रिमूव कर सकता हूँ या रहने दे सकता हूँ, टोटली अप टू मी। क्लाइंट अगर कहे तो हम रिमूव कर सकते हैं। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट देखूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो कैटेगरीज आ गई। अगर मैं स्किन केयर के ऊपर जाऊँ तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो ये इस तरह से खाली नज़र आ रहा है। तो मैं चलता हूँ और क्विकली एक दो पोस्ट डाल देता हूँ, सबके अंदर एक एक पोस्ट डाल देता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ
और सबसे पहले मैं यहाँ पे पोस्ट डालता हूँ नेल आर्ट के अबाउट, मतलब ये जो पोस्ट वगैरह हैं ये वो आपका क्लाइंट ही डालेगा, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो कैटेगरीज बनाई हैं उनके अंदर हम किस तरह से जो क्लाइंट है आपका वो पोस्ट करेगा। नेल आर्ट टाइटल, यहाँ पे वो अपना कंटेंट लिखेगी, जो भी उसका कंटेंट हुआ, लेट्स से यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं एक डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, तो इस तरह से ओके। और यहाँ पे हम देखते हैं पोस्ट, पोस्ट के अंदर यहाँ पे देखें कैटेगरी शो हो रही है। अब ये नेल आर्ट की कैटेगरी थी, तो इसके अंदर वो इस तरह से पोस्ट कर सकती है कि अपना टाइटल और सारी पोस्ट लिखने के बाद वो किस स्पेसिफिक कैटेगरी में जाए, तो इसके अंदर यहाँ से वो अपना फीचर इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकती है। मैं यहाँ से नेल आर्ट, तो आप चाहे तो बेसिक सा कोई भी इमेज, वो खुद ये काम वो खुद करेगी, जिस मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चले यहीं से हम कोई भी इमेज रैंडम चूज कर लेते हैं जो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो लेट्स से हम ये वाली पोस्ट चूज कर लेते हैं ओके। यहाँ पे हमारे लोड हो रहा है और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब अगर जाके मैं देखूँ अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ से, तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर हमारी वो पोस्ट इस तरह से शो हो जाएगी। लेकिन ये एक पोस्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्ट आएगी वो इसके नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आपने कैटेगरी सेटअप कर ली और ये सारी चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन काम है, हाँ अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद और एडिट कर सकते हैं, जैसे आप ये होम पेज है, होम पेज को आप एलिमेंटर से एडिट करें और जो जो चीज़ें आपको नहीं पसंद, जैसे ये इमेज रिप्लेस करनी है, ये टेक्स्ट रिप्लेस करना है, यहाँ पे आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस तरह से एडिट कर सकते हैं। और एडिट विद एलिमेंटर हो गए, ये सिंपल आपको पता है किस तरह से एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। अब जो हमारी मेन काम है वो है था लोगो। क्लाइंट ने कहा था कि हमें एक लोगो भी बना के दे दो जिसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूंगी। तो हम चलते हैं, एक वेबसाइट है हमारे पास canva.com, canva.com से आप सिंपल से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता सिंपल, हम क्या करते हैं लोगो यहाँ से बना सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे आ चुके हैं और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि मुझे क्या चीज़ बनानी है। तो ये लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो ये लोड हो चुका है, मैं चला जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखें लोगों की टेम्पलेट्स मौजूद है। मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल जो है वो डिज़ाइन के लिए हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और हमारे पास यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं लोगोज के लिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे उन टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे और अपने क्लाइंट का जो भी नाम है, जो भी डिज़ाइन का नाम है या उनकी वेबसाइट का जो भी नाम है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स लोड हो जाएंगे। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फैशन, और यहाँ पर देखें फैशन वाले ही लोगोज आ चुके हैं। तो हम यहाँ से कोई अच्छा सा फैशन वाला लोगो चूज़ करेंगे, जैसे जैसे ये लोगो है, ठीक है, ये लोगो है, ठीक है, मतलब हर तरह के लोगोज यहाँ पे अवेलेबल होंगे जिनमें से आप कोई भी लोगो चूज कर सकते हैं और उसको आप फिर एडिट कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हमारा जो ब्रांड का नेम है वो है, लेट्स से हमारी वेबसाइट का नेम था जैसे मेल कैनवास, ओके, ये हमारा लोगो प्रोफेशनल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफेशनल फैशन गीक्स, ओके। तो ये हमारा लोगो बन चुका है, इसको मैं सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और इसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा काम था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसके अंदर हम बनाएंगे ई कॉमर्स वेबसाइट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपने वो मिस नहीं करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।